नमस्कार दोस्तों, प्रीतिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मेरे मदर के द्वारा बनाई जाने वाली बहुत ही स्पेशल डिश थालपीट यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ, जिसे हमारे परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। इसके अलावा मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को थोड़े बड़े आकार में काट लिया है। आपको प्याज को बड़े आकार में ही काटना है, इनके बिल्कुल बारीक पीसेस नहीं करना है। अब इस आटे में जो सूखे इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे, उसमें लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर या जीरा, अजवाइन, नमक और मोयान के लिए हम तेल का उपयोग करेंगे। साथ ही आटा गूंथने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। अब सबसे पहले हम आटे को एक थाली में निकाल लेंगे और अब इसमें कटे हुए प्याज और बाकी सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स इसमें आपके स्वाद के अनुसार आप मिला दीजिए। दोस्तों, आप गेहूं के आटे के अलावा इसमें बाफले का आटा यानी आधा बाफले का आटा और आधा गेहूं का आटा से भी थालीपीठ तैयार कर सकते हैं, या आप इसी गेहूं के आटे में 1 छोटी कटोरी भर के बेसन मिला कर के भी थालीपीठ बना सकते हैं। सबके बनाने की विधि बिल्कुल समान ही रहेगी। अब हम यहाँ पर 3 चम्मच मोयान डालेंगे। इसी तरह से आप प्याज के साथ में इसमें हरी धनिया और मिर्ची भी मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें मेथी या फिर पालक को भी बारीक काट करके डाला जा सकता है और उसके भी थालीपीठ बनाए जा सकते हैं। अब आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए, 2 कटोरी आटे से मैंने इसके लगभग 4 पेड़े तैयार किए हैं। अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं गैस ऑन करके और उसके ऊपर तवा रख कर उसे प्री हीट करूँगी। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अगर आप तवे को प्री हीट नहीं करते हैं और यदि आप ठंडे तवे पर थालीपीठ बनाते हैं तो वह तवे से चिपक जाएगा और बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसलिए हम सबसे पहले तवे को प्री हीट करेंगे और अब हम इस तवे को निकाल कर इस पर 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से फैला देंगे। अब हम आटे का एक पेड़ा लेकर उसे इस तवे के ऊपर रख देंगे और अब हाथों की मदद से इसे हम फैलाते जाएंगे। दोस्तों, अगर ये हाथ पर चिपकता है तो आप हल्का सा तेल लगा लीजिए और अब इसे अच्छे से फैला दीजिए। थालीपीठ थोड़ा मोटा ही बनता है, इसलिए 3-4 रोटी जितना पेड़ा लेकर एक पेड़ा तैयार करना है। देखिए इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है, तो आपको इतनी ही थिकनेस रखनी है। उसके बाद हम इस आटे में छोटे छोटे होल्स कर देंगे। अब हम इन होल्स में तेल डालेंगे ताकि यह सब दूर से अच्छे से सिक जाए। अब आपको इसको गैस पर रखना है और गैस की फ्लेम को हाई कर देना है। अब आपको इसको हाई फ्लेम पर तब तक रखना है जब तक कि तेल में छोटे बबल्स ना आने लग जाए। इसका मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आप देखिए, इसमें बबल्स आना चालू हो गए हैं। अब हम इसे एक थाली की मदद से ढक देंगे
और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और लो फ्लेम पर हमें इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाना है। 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से अच्छी तरह से बन गया है। अब हम इसे पलट देंगे और पलट करके दूसरी तरफ से अच्छी तरह से सेकेंगे। दूसरी तरफ से सेकते समय भी हमें इसमें तेल डालना है। जितने भी होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और साइड में सब दूर आप थोड़ा सा तेल डालेंगे। दूसरी तरफ से सेकते समय हमें इस पर ढक्कन रखने की आवश्यकता नहीं है। अब मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम करते हुए इसे सेकते जाएं। देखिए दोस्तों, माँ के हाथ की स्वाद की बात अलग होती है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है अपनी मम्मी की रेसिपी को बताने की। तो लीजिए, गर्मा गर्म कांदा यानी प्याज का थालीपीठ तैयार है। अब इसी तरह से आप बाकी के थालीपीठ भी बना लीजिए। अब इस थालीपीठ को आप बटर या घी के साथ और एक कटोरी मलाई युक्त दही के साथ सर्व करिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी ऐसा कांदे का थालीपीठ। अगर आपको मेरे मम्मी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।